अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया हुआ है और आप देख रहे होंगे कि सुबह से काफ़ी चर्चा में भी बना हुआ है। और मुझे लगता है कि इस तरह का टॉपिक अगर चर्चा में रहता है तो इस पर राजनीति तो होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप देखिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बार आप लोग वाराणसी को देख लीजिए इसमें मैप में, और इसमें आप देखेंगे ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, और इसमें आप देखेंगे तो भारत की अगर बात करें तो ये आपको एशिया में भारत देखने को मिलेगा, और इसमें आपका पड़ोसी श्रीलंका हो गया। आप सभी को मालूम होगा कि पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी के द्वारा ये अलग होता है। ये बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, यहाँ आप देखेंगे पाकिस्तान, और देखिए यहाँ देखेंगे आप लोग अफगानिस्तान। हमारी सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है, याद रखिए छोटी सी सीमा हमारी अफगानिस्तान से यहाँ आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख वाले हिस्से की लगती है। और अब आती है कि उत्तर प्रदेश की और बनारसी की, तो आप सभी जानते हैं कि जो बनारस है यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब लोकसभा सदस्य हैं, इन्हें याद इस क्षेत्रीय लोकसभा से वो सांसद हैं एक तरह से, तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा वाराणसी। इससे पहले हम लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, दो चार पॉइंट आपको बता देता हूँ। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य बनाया गया था, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और लखनऊ इसकी राजधानी है। आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगा, विधान परिषद भी देखने को मिलेगी, और राज्यसभा भी देखने को मिलेगा, लोकसभा भी देखने को मिलेगा। और एक बात और बता देता हूँ आपको, ऐसा देखिए माना जाता है, कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है उसका रास्ता लखनऊ से होके जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश का राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा आप लोग सीटें भी उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेगी, और सभी पार्टियों का इसीलिए आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पर फोकस ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ अगर आप लोग विधान परिषद की बात करें तो आपको 100 सीटें देखने को मिल जाएगी, यहाँ विधानसभा में बात करें तो 403 सीटें देखने को मिल जाएगी, राज्यसभा में आपको 31 सीटें देखने को मिलेगी, वहीं अगर आप लोग लोकसभा में देखेंगे तो 80 सीटें देखने को मिलेगी। 2014 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 2019 का देख लीजिएगा, बीजेपी को आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा बहुमत यहाँ से मिला हुआ था। देखिए अब बात आती है वाराणसी की, तो आप सभी को मालूम है कि भारत की उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से तीर्थ भी माना जाता है। यहाँ आपने देखा होगा बाबा विश्वनाथ की नगरी भी इसे कहा जाता है, भोले शंकर की, भगवान शंकर की, ठीक है, तो इसलिए काफी ये चर्चा में भी रहता है। तो इसके में और आपने देखा होगा एक बात और, आपको साड़ियों के लिए काफी प्रसिद्ध है बनारस, बनारस साड़ियों के लिए काफी प्रसिद्ध है, और यहाँ आप लोग जैन, बौद्ध जैन धर्म में भी एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है इसे, और ऐसा माना जाता है कि संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है आपका बनारस, गंगा के किनारे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप लोग अगर देखें तो अहिल्या घाट हो, काशी विश्वनाथ मंदिर, नया काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा नदी, वाराणसी जंक्शन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, या वो बनारस साड़ी, इस तरह की यहाँ कई आप लोगों को घूमने लायक स्थल भी मिलेंगे। काशी करवट, सिंधिया घाट भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम लोग इस जो आपका विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना है इसके बारे में, तो परियोजना के हिस्से के रूप में 23 कितना 23 इमारतों, पर्यटन सुविधा केंद्र और वैदिक केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, शहर संग्रहालय, व्यूइंग गैलरी, फूड कोर्ट आदि का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, और इसमें आप लोग देख भी सकते हैं, देखोगे थोड़ा ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ है आपका वाराणसी। वर्ष 1780 ईस्वी के बाद, 1780 ईस्वी के बाद आपको देखने को मिलेगा कि पहली बार इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का जीर्णोद्धार करवाया था। अहिल्याबाई कॉलेज भी आप लोगों ने देखा होगा, यूनिवर्सिटी आपकी मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, वहाँ आपको देखने को मिलेगी, और इसकी नींव मार्च 2019 में रखी गई थी इस प्रोजेक्ट की, और इस परियोजना की परिकल्पना तीर्थ यात्रियों के लिए आसानी से सुलभ मार्ग स्थापित करने हेतु की गई थी, और जिन्हें गंगा में डुबकी लगाने और मंदिर में पवित्र नदी का पानी चढ़ाने के लिए भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरना पड़ता था, अब उन्हें एक तरह से सहूलियत होगी।
और परियोजना पर काम के दौरान 40 से अधिक प्राचीन मंदिरों को फिर से खोजा गया और उनकी मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं करते हुए उन्हें बहाल किया गया है। अगर हम लोग इसके महत्व की बात करें कि आखिर इसका महत्व क्या हो सकता है, यह प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी के घाटों को जोड़ता है और काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है और मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर आपको देखने को मिलेगा और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो शिव मंदिरों में सबसे पवित्र है और यह तीर्थ यात्रियों और यात्रियों को चौड़ी साफ सुथरी सड़कें तथा गलियां चमकदार स्ट्रीट लाइट के साथ बेहतर रोशनी और स्वच्छ पेयजल जैसी सुविधाएं प्रदान करके पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद भी करेगा। और अब आप लोगों कई भी आप देखिए बेहतर जानते हैं, मुझे लगता है कि आप उत्तर प्रदेश में 2022 में आपकी विधानसभा चुनाव है तो आप देखिए इस तरह के प्रोजेक्ट कई प्रोजेक्टरों का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में होता रहेगा। खैर हम लोगों को इससे क्या मतलब है, हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है इस टॉपिक में, उन पॉइंटों को हम लोगों ने वो देखना है। ठीक है, तो देखते रहिए आप लोग।